हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत करता हूँ आज हमारे चैनल में। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, हमारे इंडियन हंटर YT में आज 420 सब्सक्राइबर हो चुके। लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिला है। तो मैं आशा करता रहूँगा इन फ्यूचर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे अपने भाई को, ठीक है। और मैंने सुना है कि फेसबुक पे मैंने काफ़ी सारे पोस्ट देखे कि काफ़ी लोगों के अकाउंट बैन हो रहे, तो वो टूल यूज़ की वजह से हुए, लेकिन उसके संग फेयर भी चले गए। तो ये मिनी क्लिप का ग्लिच था, और जो टूल यूज़ किया उसे तो जाना ही था। तो इसलिए आप लोग कोई भी ऐसा इलीगल टूल यूज़ ना करें जिससे आप लोगों का आईडी में कोई ख़तरा हो। काफ़ी लोगों के अकाउंट गए हैं और जो यूज़ नहीं किए उनके भी चले गए। तो इसलिए मैं टूल को प्रोवाइड भी नहीं करता अपने चैनल में, इसलिए आप लोगों को मेरे चैनल पर कोई भी टूल का वीडियो नहीं मिलेगा। तो आज का टॉपिक ये तो नहीं है, बस मैं आप लोगों को थोड़ा बता रहा था। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्राइट डायमंड मैक्स की ट्रिक अगेन से आ चुकी है। आप लोगों को सोएब भाई का फर्स्ट वीडियो मिला होगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो मैं उन भाई को ही देख के वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को बेटर एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और अभी तक हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपको जिस भी दोस्त को पता नहीं होगा इस ट्रिक के बारे, वो इसका फ़ायदा उठा के अपनी अकाउंट में मैक्स कर सकता है। और ये ट्रिक कब तक चलेगी किसी को पता नहीं, क्योंकि वर्जन का कोई ठीक ठिकाना नहीं होता है, वो कभी भी पैच हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग जितना जल्दी होगा ना अकाउंट बना लीजिए। और इस वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा आप लोगों के लिए 8 अकाउंट या 10 अकाउंट का गिव अवे आ रहा है। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि आप लोगों के लिए गिव अवे करूँ, तो इस चैनल पे गिव अवे होगा 10 या 8 अकाउंट का होगा ब्राइट डायमंड मैक्स लेवल 1 पे। तो आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट ज़रूर से करिएगा। इस मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए ट्रिक को शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक मतलब फोल्डर बना के रखा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वर्चुअल बैकअप है, क्विक एडिटर प्लस है, वर्चुअल बैकअप के साथ वर्चुअल एक्सपोस्ट है। ये शोएब भाई का मॉड है जो उन्होंने क्रिएट किया है बहुत मुश्किल से। एक्सेल ऐप है ये, हम लोगों को प्रोवाइड किया शोएब भाई ने, और मैं इसका ऑल इन वन लिंक दे दूंगा आप लोगों को। आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड करके इसे एक्सट्रैक्ट करना तो आप लोगों को आता ही होगा, बहुत सिंपल है। और जिसको नहीं आता वो बता दे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा जब मैं गिव अवे वाला लाऊं तो ये भी ऐड कर दूं कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट बैकअप, तो उसमें से आप लोगों को सब पता चल जाएगा। तो ये सब ऐप ज़रूरत है। और बैकअप मैं आपको दिखा देता हूं, मैं अपने फोल्डर पर रख चुका हूं एक्सट्रैक्ट करने के बाद। तो आप लोगों को क्या करना है सिंपली मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये जिप है, ठीक है, लेवल 1 एंड ऑल ऐप लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने जब उसको एक्सट्रैक्ट किया तो ये बन चुका है। उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं ऑल डेटा, ये आप लोगों का बैकअप पड़ा और ये ऐप जो मैंने आप लोगों को शो कर दिया है। तो आप लोगों को अभी कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को सीधा वीडियो को वॉच करना है ध्यान से और पूरी ट्रिक को समझ लेनी है। ट्रिक पिछले वाले से पूरा सेम है, बस वर्जन चेंज है आप लोगों को। और जो हमारे चैनल में न्यू अभी जुड़ रहा है तो उनके लिए मैं पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को काफ़ी सारे चैनल होते हैं ना जो अच्छे से नहीं समझाते, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ अच्छे से। तो आप लोग देख सकते हैं ये बैकअप हमारा पड़ा हुआ है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, सिंपली वर्चुअल एक्सपोज में जाके अपने वर्चुअल बैकअप को और ये मॉड को ऐड कर लेना। आप रियल भी ऐड कर सकते हैं, मेरा आईडी लेवल 1 है, मैं इसलिए मतलब ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं मैं आ गया अपने वर्चुअल एक्सपोज में। यहाँ पर मैंने कुछ भी ऐड नहीं कर रखा है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर से ऐड कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये मैं ऐड कर लेता हूँ और वर्चुअल बैकअप ऐड करके यहाँ पर वर्चुअल बैक एक्सपोज में आप लोगों को क्लिक कर देना है। फिर जैसे इंस्टॉल हो जाता है मैं वापस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मॉड और वर्चुअल बैकअप को ऐड कर लिया है, ठीक है। और अगर बैक से अगर कोई भी नॉइज़ आ जाए, ठीक है, और अगर मुझसे भी बोलने पर अगर कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आप लोगों को सिंपली कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर जैसे ही ओपनिंग हो जाता है इसे तुरंत क्लोज कर देना है, ठीक है। ये ओपनिंग हो रहा है, ये आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक क्लिक कर देना है, ये हट गया यहाँ से। ये जैसे ही आ जाएगा आप लोगों को ऊपर वाले में क्लिक करना है सब्सक्राइब में, जैसे ही आ जाता है आप लोगों को इसको मिनिमाइज़ करके हटा देना है और वापस अपने वर्चुअल एक बैकअप को खोलना है यहाँ पर आके वर्चुअल एक्सपोज के अंदर, और यहाँ से आप लोगों को सिंपली उसका बैकअप बना। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं अपने वर्चुअल बैकअप को करने के बाद, बैकअप बनाने के बाद वर्चुअल बैकअप पे। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं अपने वर्चुअल बैकअप के फोल्डर में जो आप लोगों को मिल जाएगा ईएक्स फाइल एक्सप्लोर ई। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, इससे काफ़ी इजी पड़ेगा आप लोगों को करने के लिए, जो कुछ भी नहीं जानता वो भी कर सकता है इससे, ये काफ़ी इजी होता है।
तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फोल्डर बन चुका है। तो हम लोगों को सिंपली क्या करना है, हम लोग जहाँ हम लोगों ने डाउनलोड किया था, मेरा डाउनलोड्स पे डाउनलोड हुआ था, तो आप लोग अपना फोल्डर चेक कर सकते हैं आप लोगों को कहाँ कहाँ पर आता है। आप लोगों को सिंपली अंदर क्लिक करना है, ये सारे ऐप आप लोगों को एक ही जगह मिल जाएंगे। और ये रहा हम लोगों का बैकअप, तो बैकअप को यहाँ पे 13 फोल्डर से, तो हम लोगों को क्या करना है, सिंपली सेलेक्ट ऑल कर देना है और यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके बैक जाना है, बैक जाने के बाद आप लोगों को वर्चुअल बैकअप पे आना है और आके स्वेब एक्सडी वाले इसमें यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे बोलेगा अप्लाई टू ऑल, ओवरराइट कर देना है आप लोगों को। तो ये सिंपली जैसे ही पेस्ट हो जाता है, हम लोग यहाँ पे फिर वापस आएंगे। अभी यहाँ पे इसको पेस्ट होने देते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल पेस्ट हो चुका है हमारा। सिंपली आप लोगों के बैकअप मोबाइल सपोर्टेड होना चाहिए, आप लोगों के मोबाइल के स्पीड के ऊपर ये डिपेंड करता है आप लोगों का रैम कितना है। तो मेरा तो फ़िलहाल अच्छा से हो चुका है यहाँ पर। तो अब हम लोग चलते हैं सिंपली अपने वर्चुअल एक्सपोज्ड में और यहाँ पर जाके हम लोग इसे कर लेते हैं ओपन। वो जैसे ही ओपन होता है, हम लोगों को जाना है यहाँ पर और इसको कर लेना है रिस्टोर। ये रिस्टोर अगर आप लोगों का ज़्यादा वक्त लेता है तो इसके मतलब आप लोगों का मोबाइल बैकअप सपोर्टेड है, और अगर ये रिस्टोर तुरंत हो जाता है तो मतलब इसके मतलब आप लोगों की किस्मत ख़राब है और ये आपके मोबाइल पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप लोगों को किसी और मोबाइल पे करना पड़ेगा। तो बैक से कुछ नॉइज़ आ रही हैं तो उसे आप इग्नोर करें और वीडियो को इन्जॉय करें, और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप लोग समझिए, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों के सामने आ चुका है, ये रिस्टोर हो गया। सिंपली हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, आप लोगों को जाना है और गेम को कर देना है ओपन। यहाँ पे गेम ओपन करते ही आप लोगों के सामने सिंपली एक खुद ब खुद एक आईडी लॉगिन हो जाएगी। आप लोगों को ऑफ़र लाने के लिए कोई भी फिजूल आईडी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली सब्सक्राइब करना है आप लोगों को यहाँ, तो ये हट जाएगा सामने से। और आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है, ये आप लोग मेरा टाइम देख सकते हैं, आज का टाइम है यहाँ पर 22 सितंबर। तो ये जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को हम वीडियो शो कर देंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे अपना डेट चेंज, पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिंपली अपने डेट पे कर देना है, इसे ओपन कर देना है गेम को। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कोई भी आईडी लॉगिन नहीं की है, ये बैकअप में एक आईडी डाला हुआ था, ये किसी फिजूल आईडी है, ठीक है, किसी की फिजूल आईडी है जो बैकअप में डाली हुई थी। तो ये खुद ब खुद जैसे ही लॉगिन हो जाता है तो उसके बाद हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, इसके लॉग आउट करके अपना डेट को कर लेना है चेंज। और आप लोगों को जितनी आईडीज़ में करनी है मैक्स, उन सब को आप लोगों को लॉगिन करके रखना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका, और ये आप लोगों सामने कभी कभी डिसकनेक्ट भी आएगा तो इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली करना है लॉग आउट और चल जाना है आप लोगों को अपने डेट ऑन टाइम में, सेटिंग में जाके आप लोगों को अपना डेट ऑन टाइम चेंज कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरा टाइम एंड डेट देख चुक सकते हैं अभी, तो अभी मैं कर लेता हूँ अपना डेट एंड टाइम चेंज और मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दूंगा क्योंकि इसके वजह से मेरा वीडियो ख़राब हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हमारा टाइम एंड डेट चेंज हो चुका है। तो हम लोगों को अब सिंपली जाना है अपने गेम पे, और यहाँ पे हम लोगों को जो भी आईडीज़ हम लोगों को मैक्स करनी है, 5 हो 10 हो 100 हो, आप लोगों को जितनी आईडीज़ मैक्स करनी है आप जितने कर सकते हो, आप लोगों को क्या करना है वहाँ पर लॉगिन कर लेनी है। तो चलिए चलते अपने गेम पे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जल्दी से अपनी आईडीज़ लॉगिन कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर हाइड कर दूँगा। तो सिंपली गाइज आप लोगों के सामने हाजिर है न्यू डायमंड रश क्यू की ऑफ़र, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे मेरा 0 डायमंड शो हो रहा है। और आप लोग एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप लोगों का आईडी पे कोई भी बॉक्स आप लोग ना ओपन करें जब आप लोग यहाँ आईडी लॉगिन करें, या आप शॉट ना लगाएं, मतलब लकी शॉट ना लगाएं, ना उसमें कुछ ट्राई करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों ने एक बॉक्स भी खोल दिया ना तो फिर हम लोग इंटीजर्स जो वहाँ पर चेंज करते हैं जिससे हम लोग 999 डायमंड बनाते हैं तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं फ़िलहाल अभी सिर्फ 2 आईडीज़ में कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं 5Y282 ये सीरीज़ की आईडी है, ठीक है। तो मैं अभी 5Y283 लॉगिन कर लेता हूँ। और अगर आप लोगों को डायमंड रश क्यू मुझसे परचेस करना है 1 लेवल पे अकाउंट, तो आप लोग मेरे इनबॉक्स में आके बात कर सकते हैं, मैं आप लोगों को अपना फेसबुक का लिंक दे दूँगा, ठीक है। और आप लोगों को 100M अकाउंट या 1B का अकाउंट ख़रीदना हो, या लेजेंडरी अकाउंट ख़रीदना हो, प्योर मिनी या FMG फुल गारंटी के साथ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक और आईडी लॉगिन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने दूसरी आईडी भी कर ली है यहाँ पे लॉगिन,
तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नंबर, जैसे कि मेरे सामने भी लकी शॉट आया तो मैंने उसे हटा दिया था, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 5y283 वहाँ पे आ चुका है। तो हम लोगों को सिंपली यहाँ से कर देना है अपने गेम को बंद और आ जाना है अपने विचुअल एक्सपोस्ट में। यहाँ पे सिंपली जाना है आप लोगों को विचुअल बैकअप पे। ये काफ़ी इजी ट्रिक है फ्रेंड्स, हर कोई कर सकता है। और आप लोगों को यहाँ पे लेवल 1 ट्रिक हेड बॉल पुल बाई सोएव XD में क्लिक करना है और इसका बैकअप क्रिएट कर लेना है। अभी ये थोड़ा वक्त लेगा बैकअप क्रिएट करने में, क्योंकि इसके अंदर अभी हम लोगों ने डेटा बना लिया है अपना। तो ये जैसे ही बन जाता है उसके बाद हम लोगों को जाना है अपने एक्सेल ऐप में। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बन चुका है, तो हम लोगों को सिंपली चले जाना है अपने एक्सेल ऐप में। ये ओके फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो आपको ऐसा कुछ बोलेगा, तो आप लोगों को सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके आप लोगों को यहाँ सब कुछ कर लेना है, डिस्प्ले ऑन, यहाँ पे भी आप लोगों को डिस्प्ले ऑन टेक्स्ट मेन्यू कर देना है, ठीक है। तो उसको आप लोगों को यहाँ पे जाना है और करना है इसे ओपन। जब ये ओपन हो जाएगा तो आप लोगों का जितना मोबाइल पे फोल्डर्स होगा सब यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अब हम लोगों को जाना है विचुअल बैकअप के फोल्डर में, उसके बाद इसके अंदर, उसके बाद फाइल्स, उसके बाद कंटेंट, डॉक्यूमेंट, यूज़र डिफ़ॉल्ट। आप लोगों को ये बार बार देख लेना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद डेटा SS ट्रिगर काउंटर प्लेलिस्ट में जाना है और यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। तो हम लोगों को डायरेक्ट 999 डायमंड बनाना है काफ़ी सारी आईडीज़ में। तो हम लोगों को यहाँ पे वापस क्लिक करके 3 डॉट में सेव एस कर देना है। सेव एस में क्लिक करते ही आप लोगों को वापस चले जाना है विचुअल बैकअप में। इसके अंदर आना है शोएब XD वाले फाइल पे और कंटेंट में जाके डॉक्यूमेंट्स, यूज़र डिफ़ॉल्ट जैसे हम लोगों ने पहले किया था, और डेटा SS ट्रिगर काउंटर में क्लिक करके सेव कर देना है। यहाँ पर हमारा फाइल हो चुका है सेव, जो हम लोगों ने डेटा बनाया वो सेव हो चुका है। तो अब हम लोगों को सिंपली जाना है अपने क्विक एडिटर प्रो में। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं क्विक एडिटर प्रो के अंदर आने पे आप लोगों को कुछ ऐसा शो होगा, तो आप लोगों को यहाँ आना है और इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोगों को एक फनल का साइन मिलेगा, तो इसे कर देना है आप लोगों को ऑफ। फाइल टाइप फ़िल्टर ऑफ कर दिया है मैंने। अब हम लोगों को सिंपली नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर विचुअल बैकअप पे क्लिक करना है, शोएब XD पे जाना है, फाइल्स पे जाना है, कंटेंट्स में जाना है, डॉक्यूमेंट्स में जाना है, यूज़र डिफ़ॉल्ट्स में जाना है। जाने के बाद आप लोगों को यहाँ नीचे मिल जाएगा डेटा SS ट्रिगर काउंटर प्लेलिस्ट। तो यही आप लोगों को मेन यहाँ पे है जो आप लोगों को करना है। इसके बिना हम लोगों का ट्रिक बिल्कुल अधूरा है, इसके बिना कोई काम का नहीं है हमारा ट्रिक। तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में चाहूँगा कि प्रोवाइड कर दूँ एक चीज़ है जो आप लोगों को यहाँ पे सेव करना है। तो ये है, आप लोगों को खोजने में काफ़ी किसी को काफ़ी मतलब परेशानी हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये मैं हैशटैग लगा के आप लोगों को दे सकूँ। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करके आप लोगों को इसे कर लेना है कॉपी। तो यहाँ पे जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कॉपी करने में आ रही है थोड़ी परेशानी, तो मैं इसे कॉपी करके वापस वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सिंपली गाइस यहाँ पर एक ऊपर आ चुका था, तो हम लोगों ने वहाँ से इसे कर लिया है कॉपी, ठीक है। तो आप लोगों को अब जाना है सिंपली सर्च में, ठीक है, और सर्च में जाके सर्च टेक्स्ट में ये आप लोगों को डाल देना है, ठीक है। और रिप्लेस विथ, अब ये आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों को कितना डायमंड बनाना है, 500, 600, 700, ये आप लोगों की मर्ज़ी के ऊपर है। तो मुझे बनाना है 999 डायमंड, तो मैं यहाँ 999 लगा देता हूँ, 3 9 आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं रिप्लेस ऑल। 14 मैचेस हो चुके हैं और अब हम लोगों को यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर कर देना है सेव। ये जो यहाँ पेंसिल का ये बना हुआ, आप लोगों को उसके ऑपोजिट में क्लिक करके वहाँ से सेव कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं अब मैंने सेव कर लिया, इसीलिए हट चुका है, और इसे क्लोज़ कर देना है अब ऐप को। और हम लोगों ने चले जाना है अपने विचुअल बैकअप में जो विचुअल एक्सपोज के अंदर है। आप लोग कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं, लाइक टू अकाउंट पैरल स्पेस। किसी के मोबाइल पे पैरल स्पेस नहीं चलता, काफ़ी लोगों के नहीं चलता, तो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा ये वाला और टू अकाउंट, कि ये सबके मोबाइल पे सपोर्ट होता है। तो अब ये जैसे ही रिस्टोर हो जाता है हम लोग चलेंगे अपने गेम पे। तो फ्रेंड्स सिंपली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रिस्टोर करने के बाद जो ब्लैक इंटरफेस होता है गेम का, मैंने उसे आने नहीं दिया, मैंने वीडियो पॉज कर रखा था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी और काफ़ी लोग लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। उन लोगों को ट्रिक समझ आए या ना आए, लेकिन वो लोग लंबी देखनी पसंद नहीं करते।
तो बाद में मुझे बोलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से कर लेते हैं बैक, और यहाँ पर अपने डायमंड देखते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने 999 डायमंड रेडी है। तो किस चीज़ का आप लोग वेट कर रहे हैं गाइस? आप लोगों को सिंपली मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और फ्रेंड के संग शेयर करना है। आप लोगों को आगे भी ऐसे ही सपोर्ट दिखाना है अपने भाई के चैनल को, और लेके जाना है 1K तक। और इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला था गिव अवे के बारे में। काफ़ी दिन से सोच रहा था कि गिव अवे करूँ, तो लास्ट टाइम तो मैं नहीं कर पाया गिव अवे आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं खुद अकाउंट बनाने में बहुत बिजी था। तो इस बार आप लोगों के लिए 8 अकाउंट आ रहा है ब्राइट डायमंड में, उसकी वीडियो कल या परसों डाल दूंगा, ठीक है? आप लोगों को पार्टिसिपेट कैसे करना है मैं वो सब भी बता दूंगा, ठीक है? और तो शायद मैं 100M के डाल दूं या ना भी डाल पाऊं, ठीक है? तो आप लोग अपना पूरा सपोर्ट दिखाइएगा भाई के वीडियो पे, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं क्लेम हो रहा है हमारे पास, तो आप लोग इजीली मैक्स कर सकते हैं अपने क्यूज़ को। और मैं यहाँ पे एक आईडी आप लोगों को शो कर दिया, अब मैं दूसरी आईडी भी शो कर देता हूँ आप लोगों को ओपन करके, कि वहाँ रेडी है या नहीं डायमंड हमारा। फ्रेंड्स आईडी यहाँ लॉगिन हो चुकी है आप लोगों के सामने गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी 999 डायमंड रेडी है। तो गाइस आप लोग वेट एकदम मत करिए, आप लोग ये ट्रिक को फुल वॉच करिए, अब दिमाग में समझने की कोशिश करिए अच्छे से। एक बार में नहीं समझ आती, 2-3 बार देख लीजिए और अपनी आईडीज़ में मैक्स करना स्टार्ट करिए। ये ट्रिक काफ़ी दिन नहीं है, क्योंकि मिनी क्लिप इसे पैच नहीं कर पा रहा है, और ये वर्जन अगर पैच हो गया तो ये ट्रिक दोबारा आनी बहुत मुश्किल है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, हो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाइक कर देना मत भूलिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।